गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा चौथी का कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, पार्ट 11 एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकता, इसे निर्देशों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को प्रोग्राम के रूप में निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर स्वतः कुछ नहीं कर सकता, वह प्रत्येक कार्य हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करता है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दो महत्वपूर्ण तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर का कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से सरल अंग्रेजी भाषा में लिखने को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम लिखते समय हमें उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है इसमें फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम लिखने की चित्रात्मक प्रस्तुति है। एल्गोरिदम को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, क्रमबद्ध चरणों में और चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। एल्गोरिदम की चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण की विधि को फ्लो चार्ट कहते हैं। इसमें सभी निर्णय तार्किक क्रम से किए जाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से पहले फ्लो चार्ट के प्रयुक्त होने वाले अनेक चिन्हों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें है अगला, फ्लो चार्ट में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह कौन कौन से होते हैं? टर्मिनल बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, फ्लो लाइंस, कनेक्टर, डिसीजन बॉक्स। इसका पहला पॉइंट है टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स जो है इसे स्टार्ट या स्टार्ट बॉक्स भी कहते हैं। यह सामने दिए चित्र की भांति होता है। प्रत्येक फ्लो चार्ट के आरंभ और अंत के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। सेकेंड है इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो फ्लो चार्ट में चिन्ह का प्रयोग इनपुट लेने या परिणाम दिखाने के लिए किया जाता है। इसे आयताकार या वर्गाकार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक फ्लो चार्ट में एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट बॉक्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसमें प्रोसेस बॉक्स। तो प्रोसेस बॉक्स जब हम कोई संगणना का कार्य करते हैं तो उसे आयताकार बॉक्स में दर्शाते हैं। इसे प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। एक बॉक्स में एक ही संगणना के निर्देश होते हैं। फ्लो चार्ट में संगणना जो होता है, गणना अनुसार कई बॉक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें फ्लो लाइंस। तो फ्लो लाइंस जो होता है, ये सरल रेखाएं होती है जिनका प्रयोग फ्लो चार्ट के विभिन्न चिन्हों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ओर चलती है। अगला पॉइंट इसमें कनेक्टर। तो कनेक्टर जो होता है, वृत्ताकार चिन्ह फ्लो चार्ट में भिन्न भिन्न स्थानों पर ऊपर से दो बॉक्स को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने पर यह चिन्ह फ्लो चार्ट में स्थापित बनाए रखते हैं। अगला पॉइंट इसमें डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स होता है, निर्णय लेने की स्थिति में डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करते हैं। यह समचतुर्भुज बॉक्स जैसा होता है। तो यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ संबंधित प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।